हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब सपोर्ट चैनल में। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि देखिए, एक तो स्क्रीन रिकॉर्ड करके साथ ही साथ आप जैसा कि मैं अभी बैठा हुआ हूँ ऐसा खुद को दिखाना, प्लस अपने मोबाइल को जो स्क्रीन रिकॉर्ड होता है वो भी एक साइड में स्क्रीन पे चलता हुआ दिखाना, ये कैसे करते हैं। ये बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया था, आप एक वीडियो बनाइए, हमको बताइए किस तरह से आप ये सब करते हैं। तो आज मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगा फुल ट्यूटोरियल के साथ में, कि आप अपने फेस के साथ यानी कि आप खुद को वीडियो में दिखा करके और साइड में स्क्रीन रिकॉर्ड भी चलता हुआ किस तरह से दिखा सकते हैं अपनी वीडियो के अंदर। इसके लिए आपको वीडियो को गौर से देखना है और लास्ट तक देखना है, और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लेना है और यूट्यूब सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लेना है, क्योंकि इस चैनल पे इस तरह के हेल्पफुल वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिएगा, यानी कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, हम आपको बताते हैं किस तरह से आप अपने खुद को भी वीडियो के अंदर दिखा सकते हैं और स्क्रीन रिकॉर्ड को भी साइड में कैसे चला सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा एक मोबाइल की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि मेरे पास देखिए ये दूसरा मोबाइल अभी है, ठीक है। अब ये मोबाइल में मैं आपको बताता हूँ स्क्रीन रिकॉर्ड कैसे करना है। तो देखिए, इसमें मेरे पास देखिए स्क्रीन रिकॉर्ड यहाँ पे एक साइड में चालू है, आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे देखिए मैं स्क्रीन रिकॉर्ड यहाँ पे एक डियो रिकॉर्डर है ना, वहाँ से चालू कर लिया मैंने, ठीक है। अब इसमें क्या है, जिस चीज़ के बारे में बताना है, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने मोबाइल का स्टोरेज यानी कि जो स्टोरेज के अंदर गार्बेज है यानी कि जो वायरस है उसको कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए मुझे सेटिंग में जाना पड़ेगा, ठीक है। सेटिंग में जाना, मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। सेटिंग में गया मैं, अब देखिए यहाँ पे सेटिंग में आ गया हूँ। इसमें आपको दिख रहा होगा सबसे नीचे कैचेस क्लियर का ऑप्शन आएगा, लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है, देखिए स्क्रीन रिकॉर्ड चालू कर देना है। देखिए ये दिख रहा है ना, सबसे ऊपर वाला ये वाला बटन जो क्लिक करके हमको स्क्रीन रिकॉर्ड स्टार्ट कर देना है। अब हमारी स्क्रीन इसमें स्टार्ट हो गई है। अब देखिए, हम यहाँ पर बोल भी रहे हैं और इसमें वो चीज़ रिकॉर्ड भी हो रही है, साथ ही साथ आवाज़ एक ही जैसी है और हम जो बोलेंगे वो इसमें होता रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि अपने मोबाइल का जो वायरस है, जो कैश डाटा है, वो कैसे हटाएंगे, यानी कि जो वायरस टाइप का डाटा है वो कैसे हटाएंगे। तो यहाँ पे देखिए वो चीज़ रिकॉर्ड भी हो रही है, हम बोल भी रहे हैं सामने, ठीक है। तो यहाँ पर वो चीज़ रिकॉर्ड कर लेनी है मोबाइल में। अब देखिए, जैसा कि मुझे हटाना है तो मैं इस तरह से बोल भी रहा हूँ, देखिए यहाँ पर अब इस चीज़ को मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे से हटा के, ये देखिए यहाँ पे हो गया है, इतना तो मैंने बता दिया। अब ये चीज़ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए, ये देखिए अब इतनी रिकॉर्ड हो चुकी है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, एंड कर देता हूँ, ठीक है। देखिए ये चीज़ रिकॉर्ड हो गई ना इतनी। अब रिकॉर्ड होने के बाद इसको क्या करता हूँ, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। जिस तरह से आप सेव करते हैं उसी तरह से आपको इसमें सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको क्या करना है, जो वीडियो है आपकी, जो फेस की वीडियो, जब आप उसको आगे एडिट करते हैं काइन मास्टर से, तब आपको वहाँ पे लगाना है। अब मैं कैसे लगाना है वो भी आपको बताता हूँ। अब मैं बैक स्क्रीन जा रहा हूँ, वहाँ से आपको बताता हूँ काइन मास्टर में जा करके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम आ गए हैं काइन मास्टर में। अब आपको बताते हैं किस तरह से आप स्क्रीन रिकॉर्ड के साथ ही आप अपना फेस कैम जो वीडियो वो भी लगा सकते हैं, यानी कि दोनों को एक साथ प्ले कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले आपको मीडिया ब्राउज़र में जाना है। जैसा कि देखिए ये मीडिया ब्राउज़र है, इसमें जाना है, इसमें वो वीडियो सिलेक्ट कर लेना जो आपका फेस कैम वीडियो है। तो जैसा कि मेरा ये देखिए फेस कैम वीडियो है, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को थोड़ा सा आपको क्रॉप करने की ज़रूरत, क्योंकि ये देखिए ये यहाँ पे क्या है, ये बीच में आया हुआ है, ठीक है। तो ये जो हमारा ये बीच में नहीं आना, जब इसको साइड में हम एक लाएंगे तभी हम जो है समझो दूसरा स्क्रीन रिकॉर्ड जो वीडियो है वो चला पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए देखिए, ये जैसे ही वीडियो पर क्लिक करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, सॉरी। देखिए जैसा कि हमने ये वीडियो खाली इस पर जैसे उंगली मारेंगे तो यहाँ से कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, इसमें एक ऑप्शन आएगा क्रॉप का, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे जैसे ही हम दोनों साइड में एक साइड इधर एक साइड इधर यहाँ पे उंगली रख के इसको थोड़ा सा इस तरह से बढ़ाएंगे, ये देखिए यहाँ से बढ़ा रहे हैं, तो इसको एक कॉर्नर पे आपको ले आना है, ठीक है। तो जैसा कि मैं यहाँ पे देखिए ये ले लाया हूँ, लाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए मैंने इस पर जैसे ही मारा तो इस तरह से पूरा रेड हो चुका है, देखिए अभी नहीं है ना, इस पर जैसे उंगली मारूँगा रेड हो जाएगा। ऐसा करने के बाद अब यहाँ ऊपर ही चेक मार्क है, इस पर इस तरह से राइट निशान को कर देना है। अब आपको जहाँ से आपने स्क्रीन रिकॉर्ड की है, आप वीडियो को प्ले कर लीजिए, जहाँ से स्क्रीन रिकॉर्ड स्टार्ट हुई है वहीं से आपको फ़ोटो फ्रेम लेना है मोबाइल का। तो देखिए जैसा कि मैंने क्या किया है, मैं आपको बता दूँ, यहाँ से मेरी स्क्रीन रिकॉर्ड स्टार्ट हुई है।
तो यहाँ पे देखिए इस पे जो है, ये देखिए मैंने फ्रेम ले लिया है, फ़ोटो फ्रेम। अब फ़ोटो फ्रेम कैसे लेते हैं वो तो सभी लोगों को मालूम है। ऊपर ही देखिए फ़ोटो फ्रेम लेने के लिए आपको यहाँ मीडिया प्लेयर में जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड पे जो जहाँ से आपने फ़ोटो फ्रेम लिया है वो यहाँ से ले लेना, जैसा कि मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से सेट कर देना है। तो चलिए मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ से अब मैं फ़ोटो फ्रेम ले लेता हूँ। देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे लेयर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ से वो फ़ोटो फ्रेम ले लेता हूँ। ये फ़ोटो फ्रेम को यहाँ से इस तरह से रिसाइज कर लेना है जितना आप दिखाना चाहते हैं। ये देखिए हमने रिसाइज कर लिया है, ठीक है। रिसाइज करने के बाद इसको यहाँ से ऊपर ही राइट चेक है, इसको क्लिक करके थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेना है जहाँ तक आपकी वीडियो रिकॉर्ड हुई है, ठीक है। तो मेरी छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड मैंने की थी तो उसको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए ये देखिए वीडियो यहाँ से हो चुकी है। तो देखिए जैसा कि मैंने वीडियो तो ये फ़ोटो फ्रेम तो ले लिया है, यानी मोबाइल का जो फ्रेम है वो तो ले लिया है। अब हमको वीडियो लेनी है, ठीक है। तो चलिए अब मैं वीडियो ले लेता हूँ। फिर से लेयर पे क्लिक करेंगे, ऊपर जाएंगे, वीडियो एडिट का ऑप्शन है देखिए यहाँ पे, यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि देखिए दोस्तों मैंने वीडियो यहाँ पे ले ली है। वीडियो लेने के बाद यहाँ से इसको वीडियो को इस तरह से यहाँ पे सेट कर लेना है। सेट करने के बाद इसको यहाँ से राइट चेक कर देना। अब देखिए ये वीडियो मैंने ले ली है ना, अब आपको प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब आपको प्ले करके दिखाता हूँ, देखिए ये प्ले करके मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए यहाँ से मैंने बोलना स्टार्ट किया है, यानी कि स्क्रीन रिकॉर्ड स्टार्ट किया है, ठीक है। यहाँ पे हो गया है, इतना तो मैंने बता ये दिया। स्क्रीन रिकॉर्ड स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है अपने मोबाइल से स्क्रीन रिकॉर्ड करके बराबर अपने साइड में बाई साइड इसको प्ले कर सकते हैं, ठीक है। यही है तरीका। तो दोस्तों यही है तरीका स्क्रीन रिकॉर्ड करने का, और इसी तरह से आप अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस तरह से एक्सपोर्ट कर देना है। एक्सपोर्ट करके जैसे ही आप रखेंगे समझो ये आपका हो चुका है, ठीक है। जिसमें आप चाहे जिस क्वालिटी में वो कर सकते हैं, ठीक है। यही है तरीका दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्ड करने का। जैसा कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह से आप स्क्रीन को और अपने आप को खुद एक साथ कैसे दिखा सकते हैं अपने वीडियो के अंदर, ठीक है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर ही जाना है, और YouTube सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ज़रूर करना है, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलते रहते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो।